मटिया महल विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली भर से आए बहादुर साथियों, भाइयों बहनों, माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, और इस इंसानियत की लड़ाई को ताकत देने वाले, हमारे दिलों पर राज करने वाले प्रशांत भूषण जी और बाकी साथी, मामला बहुत साफ है, बहुत दिल से निकली हुई आवाज माताओं ने, बहनों ने रखी है, कई साथियों ने रखी है, अनुपम भाई ने बहुत विस्तार से तफसील से समझाया है मामला, लेकिन थोड़ा पेचीदा है, मामला उलझा हुआ है। असल में ये साफ तौर पर इंसानियत की ताकत और पैसे की ताकत के बीच लड़ाई है, और न केवल इंसानियत और पैसे के बीच लड़ाई है, पैसे की ताकत के साथ माफिया की ताकत जुड़ गई है। और तकलीफ की बात यह है कि सरकार जो कि आपने अपने हाथों से बनाई है, जिन सड़क पर चलते हुए कार्यकर्ताओं को आपने एमएलए और मंत्री बनाया है, उनकी ताकत माफिया के साथ, शराब बेचने वालों की, सेहत को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ मिल गई है। तो ये लड़ाई पेचीदा हो गई है, और आपको तय करना है कि इस लड़ाई में इंसानियत जीतेगी, सच्चाई जीतेगी, या सरकार के साथ मिला हुआ माफिया जीतेगा। आपको तय करना है, आप बताइए, आपको तय करना है। साथियों, हमें तय यह करना है कि दिल्ली एक शराब की मंडी रहेगी, या दिल्ली एक तहजीब से भरा हुआ, इंसानियत और अमन से भरा हुआ शहर रहेगा। जंग इस बात के बीच की है, दिल्ली एक मंडी में तब्दील हो जाएगी, दिल्ली में केवल शराब की दुकानें होंगी, दिल्ली केवल एक बाजार होगी, और बुजुर्ग औरतें, महिलाएं, बहनें, बुजुर्ग आदमी, बच्चे इस बाजार में, इस मंडी में अपने बचने का रास्ता, कोई कोना ढूंढ रहे होंगे। क्या हमको ऐसी दिल्ली चाहिए, या हमको एक ऐसी दिल्ली चाहिए जिसमें हर औरत महफूज रहे, हर बुजुर्ग की इज्जत हो, हर बच्चा बेखौफ होके खेल सके, पढ़ सके। लेकिन हमको तय यह करना है कि सरकार आज इस दिल्ली को शराब मंडी बनाने पर तुली हुई है। 371 दिनों में 399 नए ठेके, 399 नए लाइसेंस, ये माजरा क्या है, ये हकीकत क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, भाइयों, बहनों, आपको समझने की जरूरत यह है कि यहाँ हाथ को खड़ा कर देने भर से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। हमको इस कड़वी सच्चाई से आमना सामना करना पड़ेगा कि हमको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। दूसरी तरफ पैसे की ताकत, माफिया की गुंडा ताकत, और उसके साथ साथ सरकार की ताकत, ये साबित मिल गई है, इनका नेक्सस बन गया है, इनका गठजोड़ बन गया है। लेकिन ये सारी ताकत मिलके भी सच्चाई से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। जब लोगों के दिल के अंदर से आवाज आएगी, उससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। जब बहनों के, माताओं के अंदर से आवाज आएगी, उससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। आपको पुराना जमाना याद है, 10-10 साल से, 15-15 साल से जो कुर्सियों पर बैठे थे, उनको कुर्सियों के ऊपर से किसने उतारा था? आपने और हमने मिलकर उतारा था। जो मजरूर हो गए थे, अहंकारी हो गए थे, भूल गए थे कि जनता के हाथ में लगाम होती है, जनता के हाथ में ताकत होती है, उनको कुर्सियों से खींच के उतारा था। आज ये नए नए बैठे कुर्सियों पर, 1-1.5 साल से जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जनता को भूल गए हैं, ईमान की बातें भूल गए हैं, सच्चाई की बातें भूल गए हैं, शराब के ठेकेदार बन गए हैं, शराब के माफिया से मिल गए हैं। वो ये याद रखे कि अगर 15 साल बैठकर जिनकी जड़ें मजबूत हो गई थी, जिनको कुर्सियां बहुत उनके पिछवाड़े से चिपक गई थी, आज ये 1 साल से बैठे लोग अपने साथ कुर्सियां लेकर नहीं आए थे, उनको जनता के बीच फिर से जाना होगा, उनको 8 महीने बाद फिर से एक इम्तहान देना है, जनता उनसे सवाल पूछेगी, उनको जनता की अदालत में फिर से आना होगा, और तब तक हम तैयारी करें, तैयारी का वक्त है। मैं बहुत दो टूक आपसे कहना चाहता हूं, हमें केवल शराब को भगाना नहीं है, हमको शराब को भगाने की ताकत जनता के हाथ में चाहिए, समाज के हाथ में चाहिए। हम कानून के डंडे से, सरकार के डंडे से नहीं चाहते कि हुक्म हो, सरकार जिसको चाहे खोल दे, जिसको चाहे बंद कर दे, नहीं, ये ताकत समाज के हाथ में रहेगी। समाज मालिक है, समाज बड़ा है, जनता मालिक है, सरकार जनता के हुक्म को पूरा करने वाली है। यही लोकतंत्र है, यही जमहूरियत है, यही डेमोक्रेसी है। तो हमको वो डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र जो कि हमारे बुजुर्गों ने शहादत देख के, आजादी की लंबी लड़ाई लड़के पाया है,
उसको वापिस चाहिए। और जब लोकतंत्र को वापिस लाने की लड़ाई लड़ते हैं तो उसका नाम स्वराज है, स्वराज। तो हमें तय ये करना है, आज लड़ाई शराब और स्वराज के बीच है। आपको और हमको तय करना है कि हमको शराब चाहिए या हमें स्वराज चाहिए। आपको स्वराज चाहिए या स्वराज चाहिए। जिनको शराब चाहिए वो हाथ ऊपर कर दे। जिन्हें स्वराज चाहिए, जिन्हें जनता का राज चाहिए वो हाथ ऊपर कर दे। तो हमें ना केवल शराब की रोक चाहिए, शराब की रोकथाम हमारी सरकारें अहंकारी बन जाए उनको रोकने का हक चाहिए। शराब जहां बंद करना चाहे वो बंद करें। हम कहें 2 किलोमीटर दूर जाके जंगल में दुकान खोल लो, जनता को ये अधिकार हो। तो ये जंग सच्चाई और झूठ के बीच है, पैसे की ताकत और जनता की ताकत के बीच है। ये जंग शराब और स्वराज के बीच है। तो स्वराज के मतलब तो बड़े भारी हैं। शराब ने वो मोर्चा खोल दिया है, शराब के इन ठेकेदारों ने, शराब के इन माफिया ने, शराब से मिली हुई सरकार ने हमको वो मौका दे दिया है कि हम फिर से स्वराज की लड़ाई को वापिस लाएं, हम फिर से अपनी आजादी की लड़ाई को वापिस लाएं, हम फिर से स्वराज के संघर्ष को शुरू करें। तो हमारा नारा होगा कि शराब नहीं स्वराज चाहिए, शराब नहीं स्वराज चाहिए, शराब नहीं। साथियों, जंग इस बात की है, वो चाहते हैं कि हर घर घर में शराब पहुंचा दे, पीने का पानी ना मिले, तालीम ना मिले, दवाई ना मिले, बुजुर्गों को पेंशन ना मिले, लेकिन हर घर में, हर चौराहे पे, हर बस्ती के बाहर, मंदिर से 10 गज दूर वो चाहते हैं शराब बिके, हर घर शराब पहुंचे। तो इसका जवाब क्या होगा? वो चाहते हैं हर घर में, घर घर में शराब पहुंचे। इसका जवाब ये है कि घर घर में स्वराज पहुंचे। वो चाहते हैं हर घर में शराब पहुंचे। हम चाहते हैं हर घर में स्वराज पहुंचे। वो हर घर में शराब पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर घर में स्वराज पहुंचा दें। वो शराब के ठेकेदार हैं, हम स्वराज के सिपाही हैं। वो शराब के दुकानदार हैं, हम स्वराज पे मंडे बिटने वाले दीवाने हैं। तो लड़ाई स्वराज और स्वराज के बीच, शराब और स्वराज के बीच। शराब हारेगी, शराब जीतेगा, शराब हारेगी, शराब जीतेगा। तो बस आज यही कसम खा के, ये संकल्प लेके, ये अहद करके यहाँ से जाएंगे कि हम अपनी लड़ाई को, शराब के खिलाफ की लड़ाई नफरत की लड़ाई नहीं है, शराब के खिलाफ लड़ाई मोहब्बत की, अमन की, इज्जत के लिए एक लड़ाई है। मानव को इज्जत के साथ जीने का अधिकार, हर बुजुर्ग महिला को इज्जत के साथ जीने का, हर बच्चे को खेलने और कूदने और हंसने का, पढ़ने का अवसर मिले, इस बात का संघर्ष है जिसका एक नाम स्वराज है। तो हम आज यहाँ से जाएंगे तो स्वराज के सिपाही बन के जाएंगे। हर दिन 10 नए नौजवानों से या बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से या बच्चों से बात करेंगे, पूछेंगे कि बेटे बता तुझे शराब चाहिए या स्वराज चाहिए। बहन से पूछेंगे, बता बहन तुझे शराब चाहिए या स्वराज चाहिए। अम्मा से पूछेंगे, तुम्हें शराब चाहिए या स्वराज चाहिए। ये ठेकेदार शराब बेचेंगे, सरकारें शराब बेचेंगी, और हम सब स्वराज का सपना बेचेंगे, उस सपने को हकीकत में बदलेंगे। इससे आगे जो कहना है, प्रशांत भूषण जी कहेंगे। मैं आपके दिल की गहराई में केवल ये 2 लफ्ज उतार देना चाहता हूँ, इस लड़ाई को साझा बना देना चाहता हूँ। आप जब यहाँ से लौटे तो बहुत ज्यादा उम्मीदों से भरे हो, बहुत लौटे तो हौसले से भरे हो। मुश्किल लड़ाइयाँ थोड़े वक्त लेती हैं, आप जानते हैं। इस देश में अमन को, चैन को, आम आदमी की इज्जत को खिलवाड़ बना दिया गया है। माताएं रो रही थी, एक बहन कह रही थी जवानी भरी जवानी में विधवा हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। कोई किसी के दिल में दर्द होता है? ये हमारी बनवाई हुई सरकारें ना माकूल, इनको कुर्सियों पर बैठने, जिनकी कुर्सियों में तेल लगता है, जिसकी कुर्सी के पाए लगते हैं, तो हमारे दिए टैक्स पर, आपके दिए टैक्स से बनते हैं, ये इतने मगरूर हो जाएं? इनको इजाजत कितने दी? इनको ऐसी करने का हक कहां से आया? हक केवल अवाम की आवाज से आता है, और अवाम की आवाज आप सबने हाथ ऊपर करके कह दिया है कि हमको शराब नहीं स्वराज चाहिए, शराब नहीं स्वराज। जय हिंद साथियों, जय।